आज आप जब अमृतसर गए और इतने दिन आप जालंधर में रह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या पंजाब का चुनाव बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा, क्या वैसे ही रस्साकसी चल रही है, क्या आम आदमी पार्टी वहां पर बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रही है, क्या कांग्रेस चमत्कार कर पाएगी? मुकेश जी आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा, आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं। आशुतोष जी, पिछले कुछ दिनों में जितने लोगों से मैं मिला हूँ और आज अमृतसर के दौरे में भी जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई है, ज्यादातर का मत आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा रहा है। ज्यादातर लोगों का कहना है कि इस बार लोग प्रयोग करना चाहते हैं, इस बार बदलाव चाहते हैं। जो दो रिवायती पार्टियां हैं, जो पारंपरिक पार्टियां हैं, यानी अकाली दल और कांग्रेस, इन दोनों से इतर वो इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाना चाहते हैं। ये अब बहुत मुखर होके दिख रहा है। अगर मैं 10 लोगों से बात करता हूं तो कम से कम 8 लोग इस तरह के बयान देते हैं। लेकिन मैं ये भी यहां स्वीकार करूंगा कि मैं बहुत ही सीमित इलाकों में गया हूं और जिस इलाके में गया हूं, जलंधर, अमृतसर वगैरह, वहां हो सकता है ये हवा हो। दूसरे इलाकों में क्या स्थिति, इसके बारे में मैं कोई दावा नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर इस तरह से चीजें हो रही हैं तो ये भी कहना ठीक नहीं होगा कि ये सिर्फ एक जगह तक सीमित है, दूसरे क्षेत्रों में भी इसकी अनुगूंज जरूर होगी। तो एक तो बहुत साफ साफ जो दिख रहा है वो ये कि आम आदमी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ इस रेस में है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के बारे में कहें तो कांग्रेस पार्टी का पूरा दारोमदार जो मुझे दिखता है वो ये है कि चन्नी साहब कितना दलित वोट ला सकते हैं, और जो सिद्धू और पार्टी की अंतर्कलह की वजह से जो डैमेज हुआ है वो कितना है। और एक तीसरा फैक्टर और है कि जो वोटों का बंटवारा होना है, एंटी इनकम्बेंसी से जो नाराज मतदाताओं का वोट है वो किधर जा रहा है, ये अभी कह पाना मुश्किल है क्योंकि कई कोनों की लड़ाई है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो दरअसल अब लड़ाई दो पार्टियों के बीच में हो गई है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में। लेकिन मैं अकाली दल को खारिज नहीं करना चाहता हूं, मैं किसान जो लड़ रहे हैं उनको खारिज नहीं करना चाहता हूं, और मैं ये भी मानता हूं कि अमरिंदर सिंह और बीजेपी कुछ सीटों पर ही सही, वो भी वोट काटने या किसी को नुकसान पहुंचाने की भूमिका में रहेंगी। ऐसी सूरत में जो कांग्रेस विरोधी मत है वो किस तरह से बढ़ता है, इस पे काफी कुछ भी चीजें निर्भर करेंगी। तो दो पार्टियां साफ साफ रेस में हैं। अकाली दल को कोई भी, मुझे मतलब आप देखिए इतने लोगों से बात की, कोई भी नहीं कह रहा कि वो इस रेस में है भी, मतलब वो जीत भी सकते हैं या नंबर दो पर भी आ सकते हैं, इसका भी इस बारे में भी लोगों की राय निकलकर नहीं आती है। तो लड़ाई मुख्य रूप से इन दोनों के बीच में है। चन्नी क्या कर पाएंगे इस पर डिपेंड करेगा कांग्रेस का भविष्य, और विरोधी मतों का क्या होगा इस पर निर्भर करेगा पूरे चुनावी समीकरणों का नतीजा किस तरह से सामने आता है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में काफी तादाद में लोग हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।